बस्म असल वरह वरक मैंफान अली और मैं आपको अली फ़ूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों आज मैं आपके लिए चपली कबाब की इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी लाया हूँ जो भी मेरे इस तरीके को फॉलो करके इस कबाब को घर में बनाएंगे गए इन इसका ऐसा बहुत ही बेहतर होगा और रेस्टोरेंट में बनने वाले कबाब से इसका ऐसा बहुत अच्छा और मज़ेदार होगा तो चले फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को यहाँ पर हमने बीफ़ कीमा लिया है 400 ग्राम यहाँ पर हमने कीमा लिया है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों को यहाँ पर हमने दो दरमिया साइज के टमाटर जिसको हमने छोटे छोटे पीसिस में काट कर इसमें शामिल किया है और एक बड़े साइज़ का प्याज भी हमने इसमें ऐड किया है हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मजीद काम करने का जज्बा पैदा होता है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे एक चम्मच कुटी हुई लेहसन को लेहसन भी हमने इसमें ऐड किया है तो अब बारी आती है आटे की यहाँ पर हम सिंपल गंदम का आटा इसमें शामिल करेंगे तकरीबन पाँच चम्मच आप गंदम के आटे की जगह मकई का आटा या बेसन को भी इसमें शामिल कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ पर हमने एक चम्मच नमक इसमें ऐड किया है नमक भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हो और थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो सोडा जो हम आटे वगैरह में यूज़ करते हैं तो अब बारी आती है मसालों की मसालों में सबसे सब पहले हमारे पास है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर एक चम्मच गर्म मसाले का पाउडर थोड़ा सा हल्दी और दो चम्मच कबाब का जो मिक्स मसाला होता है वो यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है कबाब का मसाला आपको बाजार में आसानी के साथ मिल जाएगा अगर आपके पास कबाब का मसाला ना हो तो आप कड़ा ही गोश्त मसाला या तिक्का मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हो इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें हम एक चीज़ मज़ीद भी शामिल करेंगे क्योंकि उससे इसका ज़ायका मज़ीद बेहतर होता है तो इसको हमने मिक्स किया है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दो अदद लेमन का रस लेमन के रस से इसका ज़ायका मज़ीद दोबाला हो जाता है दो अदद लेमन का रस भी हमने इसमें ऐड किया है तो अब हम इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और रस के लिए तकरीबन इसको हम 30 से 40 मिनट तक हम इसको रस पर छोड़ देंगे दोस्तों आज मैंने जो तरीका आपको बताया है ये इनशाला सबसे आसान भी होगा और मज़ेदार भी होगा जो भी इस रेसिपी को बनाएगा इसका ज़ायका बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार होगा तो 30 मिनट गुजरने के बाद अब ये जो कबाब है ये फ्राई करने के लिए रेडी है तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके छोटे बड़े भी बना सकते हो तो कबाब बनाते वक्त आप दोस्तों ने हाथों को पहले पानी की मदद से गीला करना है और यहाँ पर हमने फैन को चूल्हे पर रख दिया है और हमारी जो घी है ये भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है तो घी में हम बारी बारी करके सारे कबाबों को शामिल करेंगे और इसको मीडियम टू लो चूल्हे पे फ्राई करेंगे तो अब हम कबाबों के ऊपर ये गरम घी भी शामिल करेंगे क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कबाबों का साइड चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी तो ये स्टेप आप दोस्तों ने लाजमी फ़ॉलो करना है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाबों का जो एक साइड है ये फ्राई हो चुका है तैयार हो चुका है तो अब हम बारी बारी करके सारे कबाबों का साइड चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से बेहतर और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए फ़ाइनली दोस्तों हमारी बीफ़ कीमा की जो मज़ेदार और आसान कबाब की जो रेसिपी है ये खाने के लिए तैयार है रेडी है आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे और इसके अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से कितने जूसी और मज़ेदार बने हैं तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़